अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास एट की जिसका यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.7 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसके दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए थे, लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लें अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कराया गया, ए पर्सन हैज़ अर्नड ₹70 लाख इन ए ईयर, एक आदमी है जो 70 लाख उसकी कमाई है एक साल में, द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज ₹1,20,000, तो उसका कटौती हो चुकी है टैक्स की 1,20,000 की पहले से, एंड ज़कात डिडक्टेड इज ₹1,30,000 और ज़कात की कटौती भी हो चुकी है उसकी 1,30,000 की। कैलकुलेट द इनकम टैक्स व्हिच ही हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर के आखिर में उसे कितना टैक्स अदा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहां लिखना है सॉल्यूशन। सत्तर लाख जो है वो उसकी आमदन है, उसमें ज़कात इसने अदा कर दी है 1,30,000, तो वो उसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो यहां 70 लाख लिखेंगे और उसमें से माइनस कर लेंगे 1,30,000 जो उसने ज़कात अदा की। तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 68,70,000 रुपए हमारे पास बाकी बचेंगे, उस आदमी के पास बाकी 68,70,000 रुपए जो है वो आमदन रहेगी, क्योंकि 1,30,000 उसने ज़कात अदा कर दी। तो इसमें एक बात और नोट कर लें कि बुक की जो टेबल नंबर 11 है उस पर आप देखेंगे तो 40 लाख लेके 70 लाख तक इनकम टैक्स जो अदा करना है वो 27.5% है। तो 40 लाख पे जो इनकम टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 5,97,000 रुपये। तो 40 लाख रुपए पे तो हमें मालूम है कि 5,97,000 रुपये टैक्स अदा करना है, तो हम ये यहाँ पे क्या कर देंगे, तो 40 लाख इसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो 40 लाख जो है उस पे है इनकम टैक्स 5,97,000, तो 5,97,000 इधर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 5,97,000 रुपये जो है वो टैक्स है 40 लाख पे, तो 40 लाख माइनस कर लेते हैं, बाकी जो बचेगा उस पे इनकम टैक्स मालूम कर लेंगे। तो ये बाकी बचेंगे 28,70,000 ये बचे। अब इस पे जो है वो टैक्स कितना होगा वो हम मालूम करेंगे, जबकि टैक्स है 27.5%। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे ये 28,70,000 और इस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 27.5, ये हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे 28,70,000 मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो 2,275 हो जाएगा, एंड अपान ये 10th होता है तो इधर 10 और इसका हम हटाएंगे परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 0 जो हैं इसके ये कैंसिल, इसके 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 2,870 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 275 के साथ। जब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 लाख, ये हमारे पास हो जाएगा 7,89,250 तो पहले जो टैक्स दिया गया था वो है यहाँ पे कितना 5,97,000 और अब जो आया वो आया है 7,89,000, ये हम प्लस कर देंगे 89,250, ये प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,86,250 13,86,250 जब हमने दोनों को जमा किया, तो टोटल जो टैक्स बन रहा है वो 13,86,250 रुपये बन रहा है। तो
पहले से ही अदा कर दिया गया है 1,20,000 टैक्स, वो हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो अब बकाया जो है टैक्स वो अदा करना पड़ेगा 12,66,250, इसमें से माइनस करेंगे 12,66,250 रुपये बकाया टैक्स अब उसे अदा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।